यो यो व्हाट्सअप गाइस, और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए बनाते हैं नया वर्ल्ड। तो नया वर्ल्ड हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस वर्ल्ड का हम नाम रखेंगे दास एम्पायर। और कोऑर्डिनेट ऑन कर लेंगे ताकि हमें अपनी जगह का कोऑर्डिनेट याद रख रहे। और कुछ नहीं करेंगे, और डिफ़िकल्टी को कर देंगे नॉर्मल पे ही। और चलिए क्रिएट करते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। कोई विलेज के पास आ जाए। जब तक वर्ल्ड जनरेट हो रहा है तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जैसे नीचे दिखाया जा रहा है। वर्ल्ड बन चुका है, और ये पता नहीं कहाँ बर्फीले पहाड़ों के पास उतार दिया है। और ना आते ही सब मुहूर्त हो गया है मरने का। और ये बहुत बड़ी केव है, अंदर कोल भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें बाद में आएंगे, पहले वुड तोड़ लेते हैं। आज का हमारा गोल है कि आज हम आयरन का आर्मर बनाए और अपना एक छोटा सा बेस बनाए। चार पांच वुड के लोग तोड़ लेते हैं। पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। और स्टिक्स भी बना लेते हैं। स्टिक लग रहा है ज़्यादा ही बना दी मैंने गलती से। मेरे पास तो लोग बचे ही नहीं, तो मैं पिकेट्स वगैरह कहाँ से बनाऊँगा। एक लोग मिली है। दो तीन और तोड़ देते हैं ताकि हम पिकेक्स बना सकें, और पिकेक्स से हम स्टोन के टूल बना सकें। ये पता नहीं ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ कहाँ से आ रही है, लगता है कोई आसपास स्पॉनर है। अगर स्पॉनर मिला तो हम उस पर टॉर्चेस लगा लेंगे। चलिए क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के चलते हैं। बहुत आवाज़ आ रही है, लगता है इस केव में से आ रही आवाज़। पहले वो जो नीचे कॉल दिख रहा है उसको जाके ले लेते हैं। आयरन भी यहीं पड़ा है, पहले स्टोन ले लेते हैं। बीस पच्चीस स्टोन ले लेते हैं ताकि हम सारे टूल्स बना सकें और फर्नेस भी बना सकें। यहाँ 14 स्टोन तोड़ लिया हमने, अभी थोड़े और तोड़ लेते हैं। और यहीं ऊपर हमें कॉल मिल चुका है। ये कॉल हमें 8 कॉल मिल चुके हैं, और तोड़ लेते हैं। अभी बहुत सारे हैं लग रहे हैं, यहाँ पूरी खान ही है कॉल की। ये आसपास बहुत शोर आ रहा होगा आप सभी लोगों को, क्योंकि हमारा घर रोड पे ही है,
तो इधर उधर से बस निकलती है तो आवाज बहुत आती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये आवाज जो कोई इग्नोर करे। चलिए स्टोन के टूल्स बना लेते हैं और ये कोल, ये आयरन भी ले लेते हैं। एक सोर्ड बना लेते हैं, एक एक्स बना लेते हैं। देखते हैं ये कोल, ये आयरन कितने होंगे। और ना यहाँ तो एक ही आयरन है। ये कौन मार रहा है? ये कहाँ से आया? लग रहा है इधर किधर से आया ये। चलिए टॉर्च बना लेते हैं। देखते हैं इधर उधर आयरन नहीं आ रहा है। तीन चार आयरन है। यहाँ हमें आठ आयरन मिल चुका है। आगे और भी है, इनको भी तोड़ लेते हैं। लगता है इनसे आयरन का आर्मर तो बन ही जाएगा। यहाँ कोल की तो पूरी खान है, पहले आयरन तोड़ देते हैं। और ना यार नीचे हम गिर चुके हैं। चलिए ऊपर चलते हैं दोबारा। और आयरन भी दिखा था यहाँ, लगता है हमने तोड़ लिया था। तोड़ लिया था आयरन तो 1900 हो चुके हैं। इससे आर्मर तो नहीं बनेगा, तीन सारे टूल बन जाएंगे और मिल जाए। और लगता है अब बन जाएगा आर्मर पूरा। यहाँ कोल भी है बहुत सारा, तो कोल भी तोड़ते हुए चलते हैं। ऊपर भी था कोल, वो जाते टाइम तोड़ लेंगे। हमें इस माइनक्राफ्ट गेम में रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती है, खास करके कोल। कोल हर स्मेल्टिंग में काम आता है बहुत ज़्यादा, और स्मेल्टिंग के बिना कुछ होता ही नहीं इस गेम में। चलिए ऊपर चलते हैं, इन कोल को कलेक्ट कर लेते हैं। और नो, हम फिर से नीचे गिर के। यहाँ चार कोल और हैं, इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तीन टॉर्च लगा लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारा रास्ता ऊपर है। या तीन चार और लगा लेते हैं ताकि पता चले। इधर चलते हैं एक बारी, इधर देखते हैं। यहाँ तो कॉपर है। वो यहाँ और आयरन है तो इसको भी तोड़ लेते हैं। आ
आगे तो डेड एंड है, इसलिए हम एक काम करते हैं, एक बारी और घूम आते हैं, फिर इसको रास्ते को ही बंद कर देंगे, क्योंकि आगे डेड एंड आ चुका है। यहाँ कॉपर है, कॉपर इतना काम नहीं आता, इसलिए मैं लेता नहीं कॉपर ही। तो एक इसको एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं। अब चलते हैं इस साइड को। यहाँ ऊपर कॉल है, लेकिन कॉल अभी मेरे पास 24 है। यहाँ देख लेते हैं, काम करते हैं, ऊपर चलते हैं। ये पता नहीं टॉर्चे क्यों लगी थी। ये भी रास्ते में कुछ नहीं है, तो यहाँ भी बंद कर देते हैं। एक काम करते हैं, इधर चलते हैं। वो ये रहा आयरन, वो यहाँ आगे वो आ चुका है स्टोन। और बड़ी केव है, ये तो बहुत बड़ी केव है। वो ये स्पाइडर आ चुकी है, इसको एक्स से मारेंगे। ये देखते हैं आगे, वो चलते हैं। ये इधर कोल है और इधर आयरन है। ये तो बहुत बड़ी केव है, तो एक काम करते हैं, गोल्ड भी यहीं मिल चुका है। हम अभी तो 27 लेवल पे ही आए हैं और गोल्ड इतनी जल्दी मिल गया। एक काम करते हैं, इस आयरन को तोड़ते हैं और वापस चलते हैं, और किसी और दिन आएंगे, क्योंकि मेरे पास 36 हो चुका है और इससे मेरा आयरन और सारे टूल बन जाएंगे बहुत जल्दी। तो चलिए चलते हैं। और अब मैं आपको मिलता हूँ, सारे ये जो रिसोर्सेज मैंने रास्ते में छोड़े हैं उसको लेके, और सीधा बाहर निकलूँगा, आपको मिलूँगा बाहर, और थोड़ी बूढ़ी इकट्ठी कर लूँगा ताकि मैं घर बना सकूँ, और हम यही घर बनाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके। सो एंजॉय योर टाइम लैप्स। Thank you.
रात हो रही है तो ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वगैरह स्केलेटन है, तो आज रात हम इस गड्ढे में बितारेंगे बिताएंगे। तो एक काम करते हैं, एक क्राफ्टिंग टेबल तो हमारा बाहर है लेकिन अब उसको लेके नहीं आ सकते, तो यहाँ बना लेते हैं। और एक फर्नेस बना लेते हैं, थोड़े स्टोन तोड़ लेते हैं। स्टोन क्योंकि ख़त्म हो गए, हमने बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक के यूज ले लिए थे स्टोन सारे। हम अंगर से मरने जा रहे हैं, देखते हैं हमारे पास कोई फूड है। नहीं, हमारे पास कोई फूड तो नहीं है, लेकिन हमारे पास स्पाइडर आया है। लेकिन इससे थोड़ी हंगर बढ़ेगी, लेकिन पॉइजन लग जाएगा। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, फर्नेस बनाने के लिए वो भी स्टोन तोड़ लेते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपको सुबह, जब तक सुबह नहीं होती तभी मिलूँगा मैं आपको। तो तब तक के लिए देखते रहे। Meanwhile, तो गाइस सुबह हो गई थी और मैंने सुबह होते टाइम के बाद मैंने सब कुछ आयरन जब तक स्मेल्ट होने लग रहा था है, तो मैंने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर दिए अपने घर को बनाने के लिए। जब तक ये पूरे आयरन इकट्ठे होते हैं हम अपना आर्मर बनाएंगे हैं, और फिर टूल्स बनाएंगे, और सब कुछ करने के बाद ये इस लैंड पर हम अपना घर बनाएंगे। तो चलिए तो चलिए शुरू करते हैं।
आपको मिलता हूँ थोड़ी लॉक्स काट के और ये पूरी नींव तैयार करके। हम इसके ऊपर भी एक लॉक की लेयर डालेंगे। तो चलिए मैं मिलूँगा आपको सीधा तभी। 3, 2, 1 गो। गाइज अब मैं आपको तभी मिलता हूँ जब मेरा घर कंप्लीट होएगा। Meanwhile, तो गाइज मेरा घर कंप्लीट हो चुका है। आप देखना चाहते हैं घर मेरा तो देखो, ये मैंने बनाया है। ये मेरी 1 घंटे की मेहनत है, तो 1 घंटा लगाया मैंने इसको बनाने में। अगर आपको मेरा घर अच्छा लगा हो है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। देखिए ये मेरी बालकनी है, अभी इतना कुछ मैंने इंटीरियर नहीं करा है। ये मैंने ऐसे डिज़ाइन, ये ऐसे फर्नीचर लगाए हैं और ये 2 क्राफ्टिंग टेबल लगाए हैं और इधर मैंने 2 चेस्ट लगाई है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको ऐसे क्यों लगाया, जोर से काहे कुछ लगा रहा है। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और मैं भी ठुकाऊँ ऐसे ही जैसे मैं अभी ठुकाऊँ, वैसे ही बेल आइकन को भी ठोक दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।